अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलहम्दुलिल्लाह अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अल अक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत बजात जमालिही हसनत जमी उखसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो चाहता मुझे सरकार ने जाने न दिया। मेरे अमाले सिया ने किया जीना तो भर, जहर खाता तेरे इरशाद ने खाने न दिया। आइए हजरात, सबसे पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्स-ए बज़्म-ए हिदायत, नौशह बज़्म-ए जन्नत, सरवर-ए कायनात, फ़ख्र-ए कायनात, मिना-ए कायनात, जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में दुरूद पाक का हदिया पेश करें और पढ़ें बावनदवा दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मनक़बते गौसे आज़म समाअत फरमा ले। रोशन जहाँ में नाम है पीराने पीर का, रोशन जहाँ में नाम है पीराने पीर का, बिगड़ी बनाना काम है पीराने पीर का। रोशन जहाँ में नाम है पीराने पीर का, बिगड़ी बनाना काम है पीराने पीर का। अफजल है जैसे नबियों में प्यारे मुस्तफ़ा, अफजल है जैसे नबियों में प्यारे मुस्तफ़ा। वलियों में वो मकाम है पीराने पीर का, वलियों में वो मकाम है पीराने पीर का। मुनकर नकीर कब्र में ये कह के चल दिए, मुनकर नकीर कब्र में ये कह के चल दिए, सोने दो ये गुलाम है पीराने पीर का, सोने दो ये गुलाम है पीराने पीर का। आइए हजरात, एक मरतबा और नबी और आले नबी पर दुरूद पाक पढ़ने पढ़े बावलंद आवाज दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, खुतबा-ए मसनूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह अपने मुक़द्दस कुरान में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। खबरदार हो जाओ, जो अल्लाह के वली होते हैं उनको ना कोई खौफ होता है और ना कोई गम होता है। इसलिए जो अल्लाह के वली होते हैं उनको अल्लाह की रजा हासिल हो जाती है, और अल्लाह की रजा सबसे बड़ी नेमत है, अल्लाह की रजा सबसे बड़ी अज़मत है, अल्लाह की रजा सबसे बड़ी दौलत है, अल्लाह की रजा सबसे बड़ी रिफ़अत है, अल्लाह की रजा सबसे बड़ी अज़मत है, अल्लाह की रजा सबसे बड़ी मेराज इंसानियत है, और औलिया अल्लाह को रज़ाए इलाही हासिल है। जो अल्लाह के वली होते हैं वो किसी से नहीं डरते हैं, जो अल्लाह के वली होते हैं वो शहंशाह वक्त से नहीं डरते हैं, जो अल्लाह के वली होते हैं वो किसी ताकतवर से नहीं डरते हैं, जो अल्लाह के वली होते हैं वो किसी जाबिर से नहीं डरते हैं, जो अल्लाह के वली होते हैं वो किसी दरिंदे से नहीं डरते हैं, जो अल्लाह के वली होते हैं वो सांप और बिच्छू से नहीं डरते हैं, जो अल्लाह के वली होते हैं वो दरिया की तुग़यानी से नहीं डरते हैं, जो अल्लाह के वली होते हैं वो आंधी और तूफान से नहीं डरते हैं, जो अल्लाह के वली होते हैं वो किसी से नहीं डरते हैं। अगर अल्लाह के वली किसी से डरते हैं तो सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते हैं। दुनिया की हर चीज अल्लाह के वली से डरती है, अल्लाह के वली किसी से नहीं डरते। अब मैं आपको वली की पहचान बता दूं कि वली की पहचान है क्या। वली की पहचान ये है कि वली का चेहरा देखने के बाद खुदा की याद आ जाए, वली की पहचान ये है कि उनकी जिंदगी का हर लम्हा सुन्नत मुस्तफ़ा पर गुजरे। वली की पहचान ये है, अगर अल्लाह का वली पुरखार वादियों में निकाहें शफ़क़त डाल दे तो लालाजार बन जाए। वली की पहचान ये है, अगर अल्लाह का वली किसी से दुश्मनी करे तो अल्लाह के लिए करे, अगर किसी से दोस्ती करे तो अल्लाह के लिए करे। वली की पहचान ये है, अगर अल्लाह के वली को नेमतें मिले तो शुक्रिया अदा करे और नेमतें ना मिले तब भी शुक्रिया अदा करे। अल्लाह के वली की पहचान ये है कि उनकी जिंदगी का हर लम्हा सुन्नत मुस्तफ़ा पर गुजरे। वली की पहचान ये है कि अल्लाह का वली हर हालत में रज़ाए इलाही पर राज़ी रहे। वली की पहचान ये है कि अल्लाह का वली किसी भी हालत में जुबान पर शिकायत नहीं लाए। इसलिए जो अल्लाह के वली होते हैं वो सब्र और शुक्र का सराफा मुजस्समा होते हैं। हदीस कुदसी है, अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, जो मेरा वली होता है मैं उसकी आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसकी जुबान बन जाता हूँ जिससे वो बोलता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो काम करता है, मैं उसके पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। यह है अल्लाह के वली की शान, यह है अल्लाह के वलियों का मकाम। अब मैं बहुत तेजी से उस मौजू की तरफ बढ़ा हूँ जो मौजू मैंने बनाया था। हज़रात, आज मैंने पूरी दुनिया का जायजा लिया। इस दुनिया में बड़े बड़े राइटर आए, बड़े बड़े कलमकार आए, बड़े बड़े दानिश्वर आए। किसी कलमकार ने अपने कलम को उठाया तो कहा बनारस की सुबह आला, किसी कलमकार ने अपने कलम को उठाया तो कहा लखनऊ की शाम आला, किसी कलमकार ने अपने कलम को उठाया तो कहा दिल्ली का लाल किला आला, किसी कलमकार ने अपने कलम को उठाया तो कहा आगरा का ताजमहल आला, किसी कलमकार ने अपने कलम को उठाया तो कहा मुंबई की हसीन वादिया आला, किसी कलमकार ने अपने कलम को उठाया तो कहा ये आला, किसी कलमकार ने अपने कलम को उठाया तो कहा वो आला। मैं बरेली पहुंचा, बरेली के आला हजरत की बारगाह में हाजिरी दी और हाजिरी देने के बाद अर्ज किया, ऐ इमाम अहमद रज़ा, इस दौर के सबसे बड़े मुजद्दिद आप हो, इस सदी के सबसे बड़े मुजद्दिद आप हो, 1400 किताबें लिखने वाले राइटर आप हो, अल मुबीन लिखने वाले राइटर आप हो, फतावा रज़िया लिखने वाले राइटर आप हो, लिखने वाले राइटर आप हो। आप बताइए कि आपकी नजर में कौन आला? तो आला हजरत बोले, मेरी नजर में ना बनारस की सुबह आला, मेरी नजर में ना लखनऊ की शाम आला, मेरी नजर में ना आगरा का ताजमहल आला, मेरी नजर में ना दिल्ली का लाल किला आला, मेरी नजर में ना मुंबई की हसीन वादिया आला, मेरी नजर में ना ये आला, मेरी नजर में ना वो आला, बल्कि आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, खल्क़ से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए? कोई कहता है प्रधानमंत्री देता है, कोई कहता है मुख्यमंत्री देता है, कोई कहता है राजा देता है, कोई कहता है ये देता है, कोई कहता है वो देता है। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। अल-अमा कहर है ऐंगोस वो धीका तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा, राज किस शहर में करते नहीं तेरे खुदाम, बाज किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा, सारे अकताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ। हुजूर गौसे आज़म की उम्र अभी 10 साल की है, 10 बरस की है। एक काफिला मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुआ। हुजूर गौसे आज़म ने काफिला वालों को देखा, दिल में ख्याल आया काश मैं भी मक्का पहुँच जाता, काश मैं भी मदीना पहुँच जाता। दिल में ख्याल आया, काफिला जा रहा था, हुजूर गौसे आज़म काफिला वालों को देख रहे थे। काफिला थोड़ा झुका तो गौसे आज़म काफिला को देखने के लिए अपनी छत पे चढ़ गए और काफिला को देखने लगे। काफिला थोड़ी दूर तक नजर आया, उसके बाद नजर नहीं आया। गौसे आज़म ने अपनी आंखों को बंद किया और अपनी आंखों को बंद करने के बाद काफिला को देखा तो काफिला नजर नहीं आया, गर्दो गुबार नजर नहीं आया, बल्कि आपके दरे वाला पर काबा तवाफ करता हुआ नजर आया। इसलिए आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, सारे अकताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला। और फरमाते हैं आला हजरत, तुझसे दर दर से शख्स है मुझको निस्बत, तुझसे दर दर से शख्स है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, और इस निशाने के जो सग है नहीं मारे जाते। हसर तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, हसर तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा।